हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मतलब MHT CET का लाइव बैच ज्वाइन किया है, वो आज सुबह से मैसेज करे जा रहे हैं कि मैम न्यूज़ चैनल पे दिखा रहा है कि बोर्ड के प्रैक्टिकल्स नहीं होने वाले हैं, पोस्टपोन होने वाला है, या कर्नाटका में कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से बोर्ड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होगी क्या, या MHT CET एग्ज़ाम के डेट्स चेंज होंगे क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सिर्फ ऐप बजे जा रहा है मैसेज से। और कुछ बच्चों के मैंने यूट्यूब पर भी कमेंट्स देखे, तो ऑलरेडी बहुत सारे रेप्यूटेड टीचर्स ने अपने अपने चैनल पे बता दिया है कि ये सारी न्यूज़ चैनल्स फेक हैं, मत देखो। और मैं भी अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को यही बोलने आई हूँ कि हर साल का ये ड्रामा है, जब से लॉकडाउन बंद हुआ है तब से ये चीज़ चल रही है। जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले रहते हैं, प्रैक्टिकल का स्टाफ स्ट्राइक पर चला जाता है, या कॉलेज वाले बोलते हैं हम अपनी बिल्डिंग नहीं देंगे, हम अपने स्टाफ को यूज़ करने नहीं देंगे, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स, मतलब कुछ ऐसे संगठनाएँ होती हैं जो बोलती हैं कि हाँ हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के अगेंस्ट आंदोलन निकालेंगे, ये वो, पहले हमारी मांगें पूरी करो, हमारी पगार बढ़ाओ, 6 डिजिट में करो, ये वो एट्सेट्रा। और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जो टाइम दिया है उसी टाइम पे होता है, हॉल टिकट में जो डेट प्रिंट होती है उसी टाइम पे होता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये स्ट्राइक इतनी चली थी कि मेरे कुछ कॉलेज के बच्चे हैं जो जिनका प्रैक्टिकल 1-2 दिन पोस्टपोन हो गया, लेकिन हुआ, और थियोरी पेपर जिस डेट को होनी थी उसी डेट को हुई। तो मुझे बस इतना बोलना है कि ये सारी चीज़ें तुम देखोगे ना तो तुमको उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, और उतना ज़्यादा तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इधर उधर की 10 चीज़ें मत सुनो, 10 चीज़ें मत देखो। आप लोग वो चैनल देखने ही मत जाओ जहाँ पर ये सारी अफवाहें फैला रही जा रही हैं। आप सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स देखो, और चैनल भी मत देखो यार, बुक खोल के पढ़ाई करो। अभी लास्ट मिनट में क्या तुम लोग इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हो, यूट्यूब की शॉर्ट्स देख रहे हो। अब सिर्फ पढ़ाई करो, और जो चीज़ें काम की हैं सिर्फ वही वीडियोस देखो, ज़्यादा मत डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो प्लीज़ ट्रस्ट अस, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके वेलबींग के लिए सोचते हैं, और अगर ऐसा कुछ भी अपडेट होगा तो यार हम आपको अपडेट करेंगे। बट प्लीज़ ऐसे किसी भी नॉन ऑथेंटिक सोर्स पे बिलीव मत करो, और अपना टाइम वेस्ट मत करो, और डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, शांति से पढ़ते रहो। 100 बात की एक बात कंक्लूजन ये है कि कुछ भी पोस्टपोन नहीं होने वाला है, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है। कोविड को लेकर सब लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से इम्यूनाइज हो चुके हैं, सब ने अपने अपने वैक्सीन के डोसेज ले चुके हैं, अभी पहले जितनी हालत ख़राब नहीं होने वाली है। कुछ भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो गवर्नमेंट आपको पहले से अलर्ट कर देगी। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दिस, एंड इन्वेस्ट इट इन योर स्टडी। दिन में 8-8, 10-10 घंटा पढ़ोगे तो भी कम पड़ेगा, ठीक है? तो प्लीज़ पढ़ाई करो, और याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।